वाराणसी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश की सीटों में कौन कहां पीछे चल रहा है आपको इस बारे में बता देते हैं। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, नितिन गडकरी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये लगातार आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर बात करें स्मृति ईरानी की, तो लगातार स्मृति ईरानी शर्मा जी से पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। दिनेश लाल निरहुआ पीछे चल रहे हैं। तो आपको बता दें यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। हाथ के साथ खटाखट दौड़ रही साइकिल चल रहा है। 38 सीटों के साथ एनडीए दूसरे नंबर पर है। रुझानों में अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की 543 सीटों के अब तक आए रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भले ही 300 पार कर लिए, लेकिन यूपी में बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के अब तक आए रुझानों में अखिलेश यादव और यूपी की जोड़ी वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जानकारी हम अपने लाइव के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कन्नौज में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में अन्नामलई, केरल में आपको बता दें शशि थरूर की सीट का हर अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश की सीटों में कौन कहां पीछे चल रहा है आपको इस बारे में बता देते हैं। नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, नितिन गडकरी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, ये लगातार आगे चल रहे हैं। यूपी में सबसे बड़ा उलटफेर, हाथ के साथ खटाखट दौड़ रही साइकिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन लगातार 41 सीटों पर आगे चल रहा है। 38 सीटों के साथ एनडीए दूसरे नंबर पर है। रुझानों में अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं, जबकि राजनाथ सिंह लखनऊ सीट से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा की 543 सीटों के अब तक आए रुझानों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भले ही 300 पार कर लिए, लेकिन यूपी में बड़ा उलटफेर होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के अब तक आए रुझानों में अखिलेश यादव और यूपी की जोड़ी वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जानकारी हम अपने लाइव के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कन्नौज में अखिलेश यादव, तमिलनाडु में अन्नामलई, केरल में आपको बता दें शशि थरूर की सीट का हर अपडेट आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव, डिंपल यादव, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर प्रदेश की सीटों में कौन कहां पीछे चल रहा है आपको इस बारे में बता देते हैं। नरेंद्र का उलटफेर, हाथ के साथ खटाखट दौड़ रही साइकिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन लगातार 41 सीटों पर आगे चल रहा है। 38 सीटों के साथ एनडीए दूसरे नंबर पर है। रुझानों में